2013 में अगर कोई हम यूनाइटेड फैंस से अगर पूछता कि आने वाले 10 सालों में तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द फैन बेस का ये आंसर होता कि कम से कम 3 से 4 प्रीमियर लीग और 1 से 2 यहाँ पर UCL टाइटल्स हम जीतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, 12 साल आगे आ जाइए और हाल ये है कि ना तो यूनाइटेड अभी चैंपियंस लीग के कंटेंशन में है, कंटेंशन छोड़ दीजिए, क्वालिफिकेशन के लाले पड़े रहते हैं, और प्रीमियर लीग टाइटल फाइट में आखिरी बार हम यहाँ पर क्लोज एनकाउंटर्स पर कब गए थे, वी डोंट इवन रिमेंबर। सर एलेक्स के जाने के बाद यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन अराइव हो जाएगा, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एवरीबडी न्यू कि पोस्ट सर एलेक्स थिंग्स विल बी डिफरेंट, थिंग्स वोंट बी सेम। यहाँ पर यूनाइटेड का डोमिनेंट फेज जो इतने सालों से चला आ रहा है वो इतना डोमिनेंट नहीं रहेगा, लेकिन यूनाइटेड रेलेवेंसी की लड़ाई लड़ रही होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। 12 साल के बाद यहाँ पर यूनाइटेड गोल स्कोर करने के लिए जद्दोजहद कर रही होगी। विक्ट्रीज यहाँ पर 9 मैचेस के बाद आपके पास सिर्फ 3 होंगी। ये कोशिश अगर हम देखें, ये जो जारी है हमारी लगातार पॉइंट्स की लड़ाइयाँ, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 12 साल के बीच में जो नया फैन बेस जुड़ा है, यू हैव टू फील सॉरी फॉर देम बिकॉज दिस क्लब हैज़ किल्ड द पैशन of any football fan. Even if you're watching this club as a neutral, you hate football, you will start hating football because इस club ने यहाँ पर वो हमारे अंदर का जो एक passion था sports को लेकर वो kill कर दिया है। It's so sad to see कि मेरे जैसे fans यहाँ पर, आप जैसे fans अच्छी football देखने के लिए आजकल rivals के matches देख रहे हैं because हमारा club हमें यहाँ पर अच्छी football नहीं दिखा रहा है। एंड ये मेरे ट्रू इमोशंस हैं, ये यहाँ पर मैं कुछ स्क्रिप्ट लिख के नहीं बैठा हूँ, मैं आपके सामने कुछ बनी हुई बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो मैं फील कर रहा हूँ और ये हर मैच डे पे आप फील करते हैं। जब आपके राइवल्स आपके ऊपर तरस खाना शुरू कर देना, तब आप समझ जाओ कि आपकी हालत यहाँ पर बद से बदतर हो चुकी है। एंड वो चलो वो मैं सारी चीज़ें साइड रख भी दूँ, आप अगर मैचेस में कंपटीशन भी नहीं दे पा रहे हो सामने वाली टीम्स को, तो फिर आप यहाँ पर अपने आप को बड़ा क्लब कैसे से, मतलब हाउ कैन यू इवन प्रोनाउंस योर सेल्फ, हाउ कैन इवन यू कैन कॉल योर सेल्फ अ बिग क्लब। कल के वेस्ट हैम के गेम में वी क्रिएटेड 4 बिग चांसेज इन द फर्स्ट हाफ। And you know what the problem was? We couldn't even finish one of them. We couldn't even put the ball back in the net जब जहाँ पर clear cut chances थे आपके score करने के। वो chance जो Diego Dalot ने कैसे miss कर दिया मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो ये जब situations आती हैं ना जहाँ पर आप chances बना रहे हो लेकिन आपके forwards या आपके players उन chances को bury नहीं कर रहे हैं, तब आप इसमें manager को blame नहीं कर सकते। लेकिन पता है problem क्या है कि ये मैनेजर का एक गेम, चलो ठीक है मैनेजर के ऊपर नहीं है, लेकिन इतने सारे गेम्स में जहाँ पर हमारे प्लेयर्स ने हमें लेट डाउन किया, हमारे सब्सटीट्यूशंस ने हमें लेट डाउन किया, हमारे टीम सिलेक्शंस ने हमें लेट डाउन किया, वो सारा अभी पाइल अप हो चुका है। एंड अगेन मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि एरिक टेन हैग इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम एट द क्लब बट ही इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सॉल्व थिंग्स तो आपको उस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम के साथ साथ जो बाकी के प्लेयर्स हैं, जो बाकी के आपके न्यूसेंस क्रिएट करते हैं स्क्वाड के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर, आप उनको निकालना पड़ेगा। ब्रूनो फर्नांडिस क्रिएटेड 3 बिग चांसेस लास्ट नाइट बट ब्रूनो फर्नांडिस के उन 3 बिग चांसेस को किसी ने बरी नहीं किया। आई थिंक बहुत टाइम के बाद ब्रूनो फर्नांडिस का एक ऐसा गेम आया था जहाँ पर ही लुक्ड लाइवली, ही लुक्ड यहाँ पर लाइक अ प्लेयर जो क्रिएट करना चाह रहा था, जिसने क्रिएट किए भी चांसेस, हु वॉन्टेड टू विन, बट हमारे फॉरवर्ड्स के कुछ अलग प्लान थे। एवरी टाइम आई वॉच गर्नाचो I feel like slapping myself because anybody who rates Garnacho as a world-class player should watch more players, should watch Lamine Yamal, should watch यहाँ पर Pedri, the players of his age, should watch Kobe more, should watch यहाँ पर even I would say you know अगर देखना है तो आप देखने के लिए बाकी players को भी देख सकते हो। जैसे कि अगर आप Cole Palmer को देखो, right? I know वो थोड़ा सा बड़ा है age में but वो जो big game player वाली एक जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना वो गर्नाचो के अंदर नहीं है। ही इज टू मच इनटू वो ऑरा वाला सीन के अरे यार मुझे रेप्लिकेट करनी है रोनाल्डो जैसी सेलिब्रेशन, मुझे रोनाल्डो की तरह बॉडी फेंट्स ट्राई करने हैं, मुझे रोनाल्डो जैसे शॉट्स लेता है वैसा ट्राई करना है। रोनाल्डो की तरह मेहनत करना भी तो सीख लो भाई। रोनाल्डो के जितना अगर आप डेडिकेटेड हो जाओगे फुटबॉल को लेकर तो फिर तो हमारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगी। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड वन डे यू हैव टू अप योर स्टैंडर्ड बिकॉज रियल मैड्रिड ऐसे प्लेयर्स को नहीं पिक करती जिनके अंदर बहुत ही लिमिटेड टैलेंट होता है। यू आर नॉट रेडी टू वर्क हार्ड एंड यू लुक एट मार्कस रैशफोर्ड। आई एम सिक टू डेथ भाई यहाँ पर वॉचिंग मार्कस रैशफोर्ड। द मैनेजर वॉन्ट्स हिम टू यू नो वॉन्ट्स हिम ऑन द पिच एवरी गेम ही स्टार्ट्स द गेम। उससे बेटर प्लेयर्स अगर होंगे भी तो भी उसको उनको मौका नहीं मिलेगा। रीज़न इज़ यहाँ पे आई डोंट नो वॉट इट इज़ बट यहाँ पर मैनेजर के एंड से जो सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा दिलाती है चीज़ वो यही है कि रिपीटेटिव सेम सिलेक्शंस हो रहे हैं। प्लेयर्स हु हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ देयर करियर आर स्टिल गेटिंग चांसेस। उसके खुद के टेन्योर को जो तार तार कर रहे हैं उन प्लेयर्स को लगातार मौका मिल रहा है। यू आर टेलिंग मी अ वेस्ट हैम साइड who was struggling to get points, who were without their best player, you know, alongside Bowen Kudus, उसके बिना यहाँ पर वेस्ट हैम ने तुमको हरा दिया। एंड दैट लास्ट नाइट गेम इज एग्जैक्टली क्रिस्टल पैलेस वाला जो गेम हुआ था। वहाँ पर भी हमने फर्स्ट हाफ में 4 बिग चांसेस बनाए थे, हमने एक भी बरी नहीं किया था। एंड चलो पैलेस वाले गेम में तो चलो उनके कीपर ने हैंडरसन ने यहाँ पर बहुत अच्छे सेव्स निकाले थे। कल तो आपने यहाँ पर टेस्ट भी नहीं कर पाया। गर्नाचो को शुरुआत के मिनट्स में बॉल मिली, यहाँ पे प्लेस करनी थी बॉल, उन्होंने क्रॉस बार मार दिया। गर्नाचो को एक और 1v1 अपॉर्चुनिटी मिली, बंदे के शॉट में कर्ल ही नहीं है, वो शॉट बिल्कुल कर्ल नहीं किया और साइड से निकल गया फेस ऑफ द पोस्ट से। देन आपने देखा डिएगो डेलो का वो चांस, आपने हॉलैंड का वो चांस देखा। एंड अगेन हॉलैंड की जब बात आई गई है तो हॉलैंड में बात कर ही लेते हैं। आप कहीं भी पिच पे होगे ना, आप यहाँ पर गर्नाचो को और रैशफोर्ड को ढूंढ के निकाल लोगे, क्योंकि आपके अंदर वो है कि भाई हमें बॉल इनको पास करनी है। लेकिन एक प्लेयर जो आपका अटैकिंग आउटलेट है, जो आपके लिए गोल स्कोरिंग ऑप्शन है, आप उसको ढूंढना ही नहीं चाहते फाइनल थर्ड में। एंड आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद दीज प्लेयर्स, व्हाट इज रॉन्ग विद आर विंगर्स। भाई हम यहाँ पर विंगर्स को एक ही चीज करते देखते हैं टाइम एंड टाइम अगेन। गर्नाचो को पता है क्या आता है, या तो वो कट इन करेगा और शॉट लेने की ट्राई करेगा, या तो वो लेफ्ट उससे लेफ्ट फ्लैंक पे जाके बिल्कुल डीप जाके बाईलाइन पे और अपने लेफ्ट फुट से बॉल डालने की कोशिश करेगा, और एक बॉल सक्सेसफुल नहीं होती है। सेम गोज विद मार्कस रैशफोर्ड एज वेल। राइट विंग के ऊपर तो उन पर कटबैक भी नहीं होता, तो उनसे एक्सपेक्टेशन क्या की जाए, क्रॉसिंग उन्हें आती नहीं है। एक आधा क्रॉस अच्छा आ जाता है, जैसे कि अगर हम देखें जो ब्रेंटफोर्ड वाला गेम था उसमें उन्होंने जो गर्नाचो को बॉल रख के दी थी, दैट वॉज अ टॉप टॉप डिलीवरी, बट वो वंस इन अ वाइल वाले मोमेंट्स होते हैं। एंड अगेन फुटबॉल इज अबाउट प्रोड्यूसिंग दोज इंडिविजुअल मोमेंट्स, बट देन अगेन वी हैव सो मच लेस क्वालिटी अप टॉप यहाँ पे कि समझ ही नहीं आता कि गोल्स आएंगे कहाँ से। अगेन यू लुक एट कैसेमीरो, द गाय हैजंट गॉट द लेग्स टू कवर अप द ग्राउंड। कैसेमीरो के केस में आप देखते हो भाई, कैसेमीरो आजकल स्टैंडिंग टैकल्स मारना ही भूल गए। एवरी टाइम ही वांट्स टू विन द बॉल, वो वहाँ पे लंजेस के लिए जाता है। पता नहीं क्या हो चुका है इस फुटबॉल क्लब को। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोचिंग। रूड वैन निस्टेलरॉय यहाँ पर जब आए थे, वी थॉट कि यार हमारे फॉरवर्ड्स का जो गेम है ना वो अप हो जाएगा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारे लेफ्ट राइट एंड सेंटर सारी टीमें जीत रही हैं। चेल्सी ने कल न्यूकासल हरा दी। आप देख रहे हो यहाँ पर आपके जो नीचे बैठी टीम है वो भी बेटर फुटबॉल खेल रही हैं। मतलब रेलीगेशन में बैठी टीम्स ना आपसे ज़्यादा एंटरटेनिंग फुटबॉल खेलती हैं। इप्सविच टाउन इज प्लेइंग बेटर फुटबॉल देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप देख रहे हो एल क्लासिको। भाई एल क्लासिको देखने के बाद कल जो मैंने फुटबॉल देखी है ना, मेरा अपना गला घोटने का मन कर रहा था। इतने ज़्यादा यहाँ पर इमेच्योर प्लेयर्स हैं हमारे क्लब के अंदर। दे डोंट केयर अबाउट द प्लेयर्स, दे डोंट केयर अबाउट द फैंस, दे डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट। ऑल दे केयर अबाउट गेटिंग देयर हैवी पे चेक्स बाई द एंड ऑफ द वीक, क्योंकि उनको वीकली पेमेंट मिलती है। आप अगर यहाँ पर लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल का गेम किसने देखा है ना कल, अगर वो होती है फुटबॉल भाई, एंड टू एंड स्टफ। एंड हमने कब यहाँ पर बड़े क्लब के अगेंस्ट ऐसी फुटबॉल खेली थी, आई कांट इवन रिमेंबर। वो FA कप का फाइनल आज से 3-4 महीने बल्कि 5 महीने पहले था, तो आप समझ जाओ कि आपको 5 महीने हो गए एक अच्छा गेम खेले हुए, एक बड़ी टीम के अगेंस्ट एक कॉम्पिटिटिव गेम खेले हुए। क्योंकि उसके बाद से जो भी हमने देखा है, इट हैज़ बीन अ शिट शो। आप यहाँ पर देखो कल लिवरपूल यू नो गॉन 1-0 डाउन, फिर उसके बाद वो 2-1 डाउन चले गए। एंड फिर क्या हुआ यहाँ पे, दे केम बैक, दे स्कोर्ड दैट गोल। एंड आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल ने अपनी जो हाइप थी वो जस्टिफाई की, बिकॉज कल का गेम बहुत एंटरटेनिंग था। इट वॉज एन एंड टू एंड स्टफ। देन यू लुक एट यूनाइटेड वर्सेस वेस्ट हैम। एवरीबडी एक्सपेक्टेड यूनाइटेड टू विन दैट गेम, एवरीबडी, बट आई न्यू डीप डाउन इन माई हार्ट दैट United are going to drop points because every weekend this has been the case for us fans. मेरा वाकई में बताऊँ, मैं मेरा मैच देखने का मन नहीं करता दोस्तों। मुझे पता है तुम लोग का भी नहीं करता, बट ये साला ज़िद्दी मन ऐसा है कि ना चाहते हुए भी मैच डे के दिन अपने आप वो मैच देखने की वो जो एक होड़ होती है ना वो लग जाती है, क्योंकि आप मेंटली इतने साल से इस चीज़ को करते आ रहे हो कि आपका दिमाग उसी तरीके से प्रोसेस करता है। बट दिस इज़ such a sad state for all United fans. योर राइवल्स आर फीलिंग सॉरी। मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन आते हैं भाई, वो बोलते हैं कि यार तेरी टीम कभी जीतती भी है। एवरी टाइम आई सी ऑन सोशल मीडिया यू आर रेंटिंग, एवरी टाइम आई चेक योर यूट्यूब चैनल यू आर कर्सिंग योर मैनेजर, यू आर कर्सिंग योर प्लेयर्स। बट मैं क्या करूं यार, मैं मजबूर हूं, मुझे नहीं पसंद है ये चीज़ें करना। और कल के रिजल्ट के लिए मैं टेन हैग को सिर्फ एक ही चीज़ के लिए ब्लेम कर सकता हूँ यहाँ पर, कि आप अपने फॉरवर्ड्स को नहीं ट्रेन कर पा रहे हो। अदर देन दैट भाई मैं कल के मैच में टेन हैग को क्या ही ब्लेम दूंगा। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स। कल का मैच तो इट्स ऑल डाउन टू द प्लेयर्स। जो हरकतें यहाँ पर रियल मैड्रिड ने की, बायर्न आपके बार्सिलोना के अगेंस्ट, कि उनके फॉरवर्ड्स ने लेट डाउन किया मैनेजर को और फैंस को, वही सेम चीज़ कल यूनाइटेड के फॉरवर्ड्स ने की है। मार्कस रैशफोर्ड इनफेक्टिव, गर्नाचो इनफेक्टिव, हॉयलैंड बेचारे को तो बॉल ही नहीं मिलती। देन यू टॉक अबाउट ब्रूनो फर्नांडिस, बंदे ने इतने चांसेस क्रिएट किए एंड देन उसके बाद उसको उसका कुछ आउटपुट नहीं मिला। डिएगो डेलो, भाई डिएगो डेलो को ना कोई जाके थप्पड़ मारो। somebody needs to tell him that he's a shit footballer. Every time he plays for United, he is shitting on the field. I don't care what he does for Portugal national team. Portugal national team के लिए वो क्या कर रहा है, उससे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है भाई? United के points table में क्या points better निकल के आ रहे हैं? And देखो, मुझे तो ये चीज़ पता थी पहले से कि जितने chances इन्होंने यहाँ पर ये किए हैं ना बर्बाद, उसके बाद सेकेंड हाफ में एक ही चीज़ होनी थी and it was written all over the script कि भाई वेस्ट हैम ये मैच जीतेगी, यूनाइटेड इतने चांसेस बनाने के बावजूद यहाँ पर गोल स्कोर नहीं कर पाएगी। 4-5 बड़े बिग चांसेस आप कैसे मिस कर सकते हो भाई? कोई भी क्लब यहाँ पर इतने चांसेस खराब करने के बाद मैच जीत जाए या फिर प्रीमियर लीग की टेबल में या किसी भी लीग में अच्छा कर जाए, ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता। और ये रियलिटी भी है, कोई भी क्लब यहाँ पर इतने चांसेस बिग चांसेस मिस करने के बाद मैचेस नहीं जीत पाती है। लीग में भी आपका क्या हाल है आपको पता है। कल इतना बड़ा मौका था आपके पास, स्पर्स ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, न्यूकासल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, यू कुड हैव गॉन अबव देम अगर आप यहाँ पर अपना मैच जीत जाते, लेकिन नहीं, आपका मन ही नहीं था। हर मैच के बाद मैनेजर आके बोल रहा है यार कि हमारे फॉरवर्ड्स ने चांसेस नहीं बरी किए, वी कुड हैव स्कोर्ड दीज मैनी गोल्स, वी कुड हैव स्कोर्ड दोज मैनी गोल्स, बट आर यू नो वी कुडंट फिनिश आवर चांसेस। तो वर्क ऑन इट ब्रो, वर्क ऑन इट, ट्राई टीचिंग योर फॉरवर्ड्स हाउ टू बरी दोज चांसेस, बट यू हैव फेल्ड टू डू दैट। एंड आई कुडंट रैप माई हेड अराउंड दिस फैक्ट कि चेल्सी जो नया मैनेजर लेकर आई है, जिनके फॉरवर्ड्स लास्ट ईयर तक अच्छा नहीं कर रहे थे, दे आर डूइंग मच बेटर एट दिस करंट पॉइंट ऑफ टाइम। देन यू लुक एट लिवरपूल अंडर अ न्यू मैनेजर, दे आर प्लेइंग ब्रिलियंट फुटबॉल एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग भाई। मैं तो यहाँ पर बोलूंगा ब्राइटन आफ्टर सेलिंग मोस्ट ऑफ देयर प्लेयर्स आफ्टर ब्रिंगिंग अ न्यू मैनेजर आर प्लेइंग बेटर फुटबॉल देन अस। वहाँ पे आप देखो थॉमस फ्रैंक की ब्रेंटफर्ड, सारे प्लेयर्स बेच दिए उनके मेन और फिर भी हमसे बेटर फुटबॉल खेल रहे हैं। यूनाइटेड इज नॉट अ फुटबॉल क्लब एनी मोर, दिस इज जस्ट अ सोशल एक्सपेरिमेंट कि एक इंसान, एक फुटबॉल फैन यहाँ पर किस हद तक ह्यूमिलिएशन, किस हद तक हार्ट ब्रेक्स सफ़र कर सकता है एंड स्टिल कैन रिमेन सेन, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस हैव लॉस्ट देयर सैनिटी। बट मुझे यार देखो सही बताऊँ, अब हमें लेस्टर्स के बाद फिर खेलना है चेल्सी से एंड चेल्सी जिस तरीके से खेल रही है, चेल्सी विल क्लैप अस, चेल्सी विल बरी अस एट ओल्ड ट्रैफर्ड। We have already been buried by two clubs, Liverpool and Spurs, और यहाँ पर Chelsea will become the third club. I don't want कि भाई United यहाँ पर जैसा खेल रही है वैसा खेले, but हम यहाँ पे बैठ के कुछ change नहीं कर सकते because these players they don't really care about the football anymore, they don't care about the fans anymore, they are so shameless. अब तो इनके end से ना apology भी नहीं आती, अब तो इनके end से यहाँ पर वो चेहरे पे एक वो भी नहीं दिखती कि भाई चलो ठीक है, they care, ठीक है, इनको लग रहा है कि हाँ इन्होंने गलती की है, दे आर वेरी कैजुअल अबाउट इट। एंड क्या कहा जाए भाई। एंड अगेन जाते जाते वो पेनल्टी वाला इंसिडेंट ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, द लेवल ऑफ रेफरिंग इन प्रीमियर लीग इज़ सो बैड, कल के लिए तो सोशल मीडिया अगर आप उठाकर देखोगे, मोस्ट ऑफ द राइवल फैंस एज वेल वर सेइंग दैट वाज नेवर अ पेनल्टी। मेरी पूरी चैट में इतने जो न्यूट्रल्स बैठे थे, न्यूट्रल्स के जो राइवल्स भी थे, दे वर ऑल्सो सेइंग दैट वाज नेवर अ पेनल्टी। भाई इतने सॉफ्ट पेनल्टी कॉल्स हमें नहीं मिलते, इतने सॉफ्ट पेनल्टी कॉल्स हमेशा हमारे अगेंस्ट ही क्यों जाते हैं? हैंडबॉल हो गई थी, वो नहीं कंसिडर की गई। माइकल ओलिवर इज सच अ रिटार्डेड रेफरी, इज सच अ पैथेटिक पर्सन। उस बंदे ने हमारे कितने मैचेस स्पॉइल किए हैं। लास्ट ईयर लिवरपूल के अगेंस्ट अपने डेलो को डबल येलो दे दिया था, और वो तो अच्छा था कि मैच बिल्कुल अपने एंड मोमेंट्स पे था, वरना 10 मैन के साथ लिवरपूल के ग्राउंड के ऊपर कैसे डिफेंड करते हम, मुझे नहीं समझ आता। फिर आपने देखा था लास्ट ईयर मैन सिटी वर्सेस चेल्सी वाले मैच में, आई थिंक ही वाज द रेफरी, माइकल ओलिवर ही रेफरी था, और यहाँ पर चेल्सी को क्लियर कट पेनल्टी मिलनी थी, हैंडबॉल हुई थी वहाँ पे मैन सिटी के एंड से, बट वो पेनल्टी नहीं दी गई थी। एफए कप के सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ मैं। एंड देन आपने देखा कल के मैच में, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब माइकल ओलिवर ने ऐसा कोई बेवकूफ़ी भरा डिसीजन लिया है अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट देन अगेन यहाँ पर ये अब एक इतना रेगुलर बन चुका है ना इंसिडेंट कि अब इन चीज़ों को उतना ज़्यादा डिस्कस करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज हमें पता अगले हफ्ते में ये फिर वापस आके यही करेंगे। और सेम कैन बी सेड अबाउट आवर प्लेयर्स एज वेल, बट द लेवल ऑफ फुटबॉल दैट वी आर प्लेइंग राइट नाउ इज पैथेटिक, इज डॉग शिट, इज जस्ट unbearable to watch. Season अभी ख़त्म करने की उम्मीद मैं लगाऊंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अक्टूबर एंड होते होते मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ एंड दिस पेन राइट नाउ। आई डोंट नो वेदर ही विल सर्वाइव और नॉट, बट एरिक टेन हैग इफ़ ही leaves or if he is getting the sack, some of the players also need to leave the club by the end of summer or even in winter अगर हम sell कर पाएँ तो। But this is it, पता नहीं। अब माजरू is also injured तो मुझे पता भी नहीं है कितने लंबे टाइम तक वो बाहर हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से ना हमारी मारने के लिए बैठी हुई है ऊपर वाले, मतलब ऊपर वाले ने ऐसी किस्मत लिखी हुई है। एंड मैं नहीं चैलेंज करता यार आपको जब मैं बोलता हूँ कि इससे ख़राब क्या होगा, मैं बस ये चाहता हूँ कि इससे ख़राब ना हो, बट मेरे उन शब्दों को पता नहीं कैसे लिया जाता है। आई डोंट नो वॉट टू से बॉयज, आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल माई इमोशंस, बट आई एम सो डन विद दीज प्लेयर्स, सो डन विद दिस मैनेजर, सो डन विद दिस क्लब। इफ़ आई हैव गॉट एन ऑप्शन तो मैं इतने साल पीछे जाकर ना मैं वो डिसीजन रिवर्ट कर दूंगा। आई वोंट सपोर्ट एनी अदर क्लब बट आई विल स्टॉप वॉचिंग फुटबॉल, आई विल नेवर स्टार्ट वॉचिंग फुटबॉल, क्योंकि इस स्पोर्ट्स ने जितना मुझे शुरुआत के 6-7 साल में एंटरटेनमेंट दिया, जॉय दिया, प्राइड दिया, लास्ट के जो 17 मतलब आप बोलोगे 12 साल रहे हैं ना वो उतने ही ज़्यादा पेनफुल रहे हैं। तो पता नहीं बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं कल के मैच को लेकर वो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर योर ओपिनियंस, कॉमेंट एज मच एज यू कैन बिकॉज दैट हेल्प्स द चैनल इन गेनिंग द एल्गोरिदम। ऑल्सो लाइक से भी एल्गोरिदम में हेल्प होती है तो काइंडली डू दैट एज वेल। एंड मैं आपसे लूँगा अलविदा, रात में मिलता हूँ मैं आपसे लाइव स्ट्रीम के ऊपर। बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।